हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में कहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, वेवलेंथ के बारे में बताया और वेव नंबर बताया, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी, इसके बारे में आपको जानकारी करानी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल की सीमा क्या होती है? तो बच्चों, आपको तो पता होगा, थोड़ा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको बताया गया था कि उसमें, तो बच्चों उसमें आप देखा था कि सोने की एक स्वर्ण पत्र दिया गया था जिसमें अल्फा की कण बौछार किया गया था। अल्फा की कण बौछार करने के बाद यह पता चला कि अल्फा की कुछ किरणें जो स्ट्रांग होती हैं सीधे पॉलीथिन को, स्वर्ण पत्र को पार करके चली जाती हैं, और जो वीक होती हैं तो कहना चाहिए कि वो विचलित हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। सीधा से अल्फा का कण भेजा जाता है लेकिन उनका क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन उनमें से एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा अल्फा कण है, वो सीधे नाभिक से टकरा कर तुरंत वापिस लौट जाता है। मतलब कहना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग है। और निश्चित रूप से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होगा था, यानी तो क्या हुआ था, आर का किरणें चले जा रही थी। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं के बारे में। तो पहले उसकी सीमाएं है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं है। ये मतलब कहना चाहिए कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु हमारा स्थायी तो वह क्या है, स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं रहता। क्या करता है, व्यक्त करता रहता है, क्रिया करने के लिए इच्छुक रहता है। आप आइए देखिए कि धनावेश नाभिक के आसपास ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान करते हैं, यानी धनावेश नाभिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं। पॉजिटिव धनावेश हमारा क्या है, नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखिए कैसे ये यहाँ पे घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कुछ साइंटिस्टों को माना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते थक जाएगा, थक करके उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आकर के गिर जाएगा नाभिक के पास और टूट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी थकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी लॉस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कभी टूटेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा नहीं नीचे कैसे आएगा, ये संभव, ये तथ्य संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसी थी वैसी ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन कभी भी टूट करके गिरता है तो नीचे नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपने कुछ पढ़ा होगा और आज उनकी स्थायित्व की व्याख्या बात कर रहे हैं। साइंटिस्टों को कहना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, नाभिक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बच्चों याद रखिएगा, मैक्सवेल के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेशित कण त्वरित होने पर विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसके अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार। बच्चों याद रखिएगा, सौर मंडल के ग्रहों में आवेश नहीं होने से उनमें यह लक्षण नहीं होते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन आवेश युक्त होने के कारण अपनी कक्षा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, आवेश युक्त होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और अपनी कक्षा में क्या करते हैं बच्चों, गति करते रहते हैं। फिर कहा जाता है कि उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति से प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ती चली जाएगी, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा परंतु स्थायी नहीं रह पाएगा। ऐसा संभव है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में गिरेगा ही नहीं, वो निश्चित रूप से अपना काम करेगा और नाभिक के चारों तरफ शरीर में क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। समझ में आ गया बच्चों, ये क्या है आपका, जो आप नाभिक देखे होंगे, यानी ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चलकर क्या कर रहा है बच्चों, ये चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वो लगातार अपना सर्किल में घूमता रहेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऊर्जा क्षय के कारण कक्ष की नाभिक से दूरी का लगातार क्रम, यानी मतलब कहना चाहिए ऊर्जा क्षय के कारण क्या हुआ है, कक्षा से नाभिक के इलेक्ट्रॉन की दूरी का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कहना चाहिए कि देखिए इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर आ गए, जैसे जैसे इनकी कक्षा बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं, परमाणु के विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या स्थित नहीं होती।
तो बच्चों आइए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं होती। मतलब आना चाहिए कि परमाणु के जो स्पेक्ट्रा होते हैं उनके व्याख्या नहीं होती, उनकी व्याख्या संभव नहीं है। विकिरण उत्सर्जित करते हुए गतिमान इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बदलती रहती है, उससे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम विविक्त रैखिक ना होकर के सतत, यानी विविक्त रैखिक ना होकर के क्या होता है बच्चों, सतत होता है, लगातार अल्टरनेट चलता रहता है। और इसके साथ साथ कहा जाना चाहिए वह है विविक्त होता है जो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुरूप नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या, संरचना की व्याख्या संभव नहीं। मतलब कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या क्या है, संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सका या संभव नहीं या नहीं कर सका, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या जब संभव नहीं कर सका तब उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होने लगे। और कहना चाहिए कि नाभिक के चारों ओर या नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से संबंधित व्याख्या नहीं कर सका। मतलब कहना चाहिए जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या कर पाना संभव नहीं था तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, कहना चाहिए कि जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे तो उनकी। तो बच्चों चलिए अभी इसके पहले अपन रदरफोर्ड मॉडल की जो सीमाएं पढ़ा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं, इसको मैंने बता दिया थे, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं होती, और तीसरा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस मॉडल को दिया किसने बच्चों, तो याद रखिएगा नील बोर, इसमें नील बोर। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर करने, इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को, यानी बहुत सारी कमियां थी उसमें, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए, दूर करने तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं, इसके हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं, दो हो गए ना, उनकी कमी को दूर किया और हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं की स्पष्टीकरण में सन 1913 में, इसमें 1913 में नील बोर, वैज्ञानिक का क्या नाम है, नील बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, और कौन सा मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल। कब किया है, 1913 में, किसने किया है, नील बोर ने किए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर तीनों ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। पहला इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षक कहते हैं। अब मैं आपको अपने कक्षक बना रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा ये पहली कक्षा हो जाएगी, ये दूसरी कक्षा हो जाएगी, ये तीसरी कक्षा हो जाएगी, ये चौथी कक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी फोर आर्बिट है। अब कहना चाहिए कि आप अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ, ये आपको मतलब माना चाहिए, इसको नाभिक की बात करता हूं तो इसको नाभिक मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, नाभिक होगा। ठीक है, तो हम इसको के एल, ये हमारा छोटा नाभिक के एल एम और एक और मान लेते हैं एम। ठीक, के एल एम नाम सुने हैं, 1 2 3 4, कितनी कक्षा हो गई बच्चों, 4 कक्षा हो गई, के एल एम एन हो गया।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जब धनात्मक होता है यानी हमारा आवेश जो होता है नाभिक होता है, नाभिक इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। और उसमें होता क्या बच्चों, प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। फिर क्या है ये कक्षाएं हैं, ये क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 ये क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षाएं। ठीक, ये नाभिक हो गया, वह कक्षा हो गई। अब बात करते परमाणु के विविधताकार कक्षाएं या ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना, याद रखिएगा KLMN मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी के बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका चक्र यानी स्पिन क्वांटम नंबर, चार क्वांटम संख्या होती है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वही मतलब पहले कक्षा हो जाएगी, दूसरी तीसरी और चौथी। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत प्रकार वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है यानी कक्षा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न आती है, यानी मतलब कहना चाहिए कि जो प्रत्येक कक्षा होती है ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न आती है, तथा आता है इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश या एनर्जी लेवल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहा जाता है। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः, ऊर्जा स्तरों को क्रमशः क्या किया गया है बच्चों, 1 2 3 4 मतलब क्या है, ऊर्जा स्तर है 1 2 3 4 या इन्हें क्या दर्शाते हैं बच्चों, के एल एम और एन के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों ना, ऊर्जा के निश्चित मात्रा से संलग्न आती है क्या प्रत्येक कक्षा, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर, क्या बोला जाता है इनको, ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर, ठीक है याद रखिएगा, ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। नाभिक के सर्वाधिक संवेग ऊर्जा स्तर या कोश को प्रथम या के कोश नाम दिया जाता है, क्या है मतलब नाभिक के पास में कौन सा ऊर्जा स्तर है, तो पहली ऊर्जा स्तर है और इसको क्या बोलेंगे, उसके बगल में पहला कोश होता है के कोश, ठीक है। उपकोश की जब बात आएगी तो इसमें क्या होता है, यस, फिर एसपी, एसपीडी, एसपीडी, ये बच्चों ये क्या होते हैं, ये सब क्या है मतलब उपकोश है, क्या है उपकोश है। और के एल एम एन क्या है बच्चों, के एल एम एन क्या है, इसको बोलते हैं कोश, ठीक है याद हो गया, उपकोश हो गया। अब इसके अंदर जो भरा जाएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इनमें यह कहा गया कि निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ना तो क्षय होता है और ना ही वृद्धि होती है, मतलब कहना चाहिए कि जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ना उसकी उस इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है ना तो उस इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, जैसा इलेक्ट्रॉन था उसी प्रकार से वह बना रहेगा। फिर कहा गया विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर वह निश्चित होती है, इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी ऊर्जा क्षय के उस कोश में हमेशा घूमता रहेगा, मतलब कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को यदि कोई डिस्टर्ब ना करे, यदि इलेक्ट्रॉन को मतलब परेशान ना करे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा, उसकी एनर्जी में ना तो कमी आएगी ना उसकी एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, वह लगातार क्या होता है घूमता चला जाता है। ठीक, इसके बाद चूंकि इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर व ऊर्जा स्थिर व रहती है, निश्चित रहती है, इन ऊर्जा स्तरों को या कोशों को ऊर्जा स्थिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है,
ठीक है। और इस प्रकार व्यक्त की जा इस प्रकार इसे भी व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? क्वांटीकृत होती है। आगे हम बात करते हैं, इसका सूत्र निकल जाता है। चौथा नंबर क्या होता है बच्चों? चौथे नंबर में देखिए क्या है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के एंगुलर मोमेंट के कुछ निश्चित मान होते हैं। और कुछ निश्चित मान क्या होगा? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। क्या होगा? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं ना, तो उससे संबंधित है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा बच्चों? एम वी आर। ये क्या है? एम वी आर है क्या? तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर हो गया। एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है किसका? एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक बच्चों, याद रखिएगा। यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भी क्या होता है? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। तो बच्चों इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट की सहायता से आप ले लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा देखिए क्या होता है, इन सभी को मैं बताता हूँ। तो है क्या वो यम क्या होता है बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा, यम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जहां यम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भी क्या होता है बच्चों? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। फिर क्या बचा? आर क्या है? कक्षा की त्रिज्या। आर इक्वल टू कक्षा की त्रिज्या। एम हो गया, भी हो गया, आर हो गया। एस तो आप जानते ही हैं, प्लांक स्थिरांक होता है बच्चों। एस क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। एस इक्वल टू क्या हुआ? प्लांक स्थिरांक हो गया। इसके बाद एन क्या है? एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या जिसके मान एन क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या जिसके मान क्रमशः क्या है? 1 है 2 है 3 है, वो लगातार क्या होगा? एन की स्थान पर आप लिखते जाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 3। हो सकते हैं क्या है? 1 2 3 डेट एस हो सकते हैं। तो आगे चलिए क्या हुआ, तो इसको आगे हम फॉलो करेंगे। आता है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान। आता है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान क्या होंगे बच्चों? अभी आप इसके पहले आप कोणीय संवेग का मान पढ़े हैं, एच अपॉन टू पाई क्या होगा? एच अपॉन टू पाई का मान, एच अपॉन टू पाई के बाद क्या होगा? टू एच अपॉन टू पाई, टू एच अपॉन टू पाई। फिर क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा, एम इक्वल टू बढ़ता चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3h/2π और 4h/2π डेट एस। यानी कहना चाहिए कि आगे क्या होगा, यह एन के मान जैसे जैसे आप रखते चले जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। कोणीय संवेग के भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, फंक्शनल वैल्यू संभव नहीं है, अर्थात ऊर्जा के समान कोणीय संवेग ही क्वांटीकृत होता है।
पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होता है। इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है। मतलब कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होता है सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, कूद जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इन्होंने कहा है कि सामान्य ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद कर चला जाता है जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। आपको बच्चों जब हम मतलब कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जब अपने आप को स्टेट प्राप्त करना होता है, आपके कंप्लीट करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मतलब कहना चाहिए यदि मैं इसको बनाता हूं तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, यानी क्या है ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट। अब क्या हुआ उन्होंने मतलब ग्राउंड यानी मूल अवस्था में क्या होता है, उच्च अवस्था में क्या होता है बच्चों, चला जाता है मूल अवस्था से उच्च अवस्था में और उत्तेजित होकर के पुनः ग्राउंड अवस्था में, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। फिर कहना चाहिए कि हमारा E2 है और E1, E1 क्या है बच्चों, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, E2 क्या है बच्चों, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है डेल्टा E, एंथैल्पी फर्क, एनर्जी में परिवर्तन। तो कहना चाहिए कि उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर, इसको हम क्या बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये क्या हो जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो अब आगे आप पढ़ सकते हैं कि दोनों ऊर्जाओं की अथवा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, तो डेल्टा E बराबर क्या होगा, डेल्टा E बराबर हो जाता है E2 माइनस E1। पढ़े हैं इसको, मतलब एनर्जी में जब परिवर्तन होता है E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा E, ठीक है। याद रखिएगा E2 एवं E1 क्रम पर ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है, तथा डेल्टा E क्या है ऊर्जा का अंतर है। याद रखिएगा E2 हमारा क्या है उच्च ऊर्जा स्तर है, E1 क्या है निम्न ऊर्जा स्तर है, इन दोनों का अंतर क्या है डेल्टा E है। तो आप समझ आ गया होगा डेल्टा E क्या है, E2 क्या है और E1 क्या है, समझ में आ गया। आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, E1 क्या है, E2 क्या है और डेल्टा E क्या है, बन जाएगा E2 E1 क्या होगा बच्चों, बताइए इसमें निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर क्या होगा, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये क्या है ऊर्जा में अंतर। मतलब आना चाहिए ऊर्जा में अंतर क्या है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है बच्चों, तो वही लिखा है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन E डेल्टा E। तो ये रहा है आपका बोर परमाणु मार्ग का, बोर का परमाणु मार्ग किसने बताया बच्चों, नील ने बताया, किसने, नील बोर ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यदि आपका कोई कमेंट आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा, यदि कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है बच्चों। कुछ कमेंट करना है तो आप आज रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं और बोर का परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक देखेंगे ड्रिल बॉबली केसर, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।